गाइस, कैसे हैं आप सब? इट्स मी रीना एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। यस, आई हैवन चेंज्ड येट और मैं वैसे ही चंपू बन के हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी मार्केट। और ये बच्चा बहुत बदमाश है। मुझे जाना है अभी मार्केट, तो अब हम थोड़ा मार्केट जाके आते हैं। और मैंने सोचा कि मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे आज की इवनिंग बहुत ही हसल बसल होने वाली है। अगर मुझसे ब्लॉग हुआ तो आप पूरी हसलिंग बसलिंग लाइफ देख सकते हो, और अगर नहीं हुआ तो भी समझ जाना कि बड़ी मेहनत करी है आज। आज थोड़ा घर क्लीनिंग करना है क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आने वाली है, तो आंटी नहीं आएगी तो सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे। और अभी हमको रिलायंस जाके थोड़ा बहुत सामान खरीदना है जो ख़त्म हो गया है वही। और फिर उसके बाद में मैंने साड़ी मंगाई थी अजियो से, वो आ गई है, मुझे आपको दिखानी थी, लेकिन वो साड़ी अभी नीचे है। मुझे उसको पिक ऑफ फॉल कराना है एज़ वेल एज़ उसके लिए मुझे ब्लाउज़ ख़रीदना है, सिलवाना है, ऑल दैट थिंग आई हैव टू सी। मैंने एक बैग भी मंगाई है अजियो से, तो आई विल शो यू गाइज वो बैग। आई डोंट नो इफ़ आई एम गोना कीप इट और रिटर्न इट बिकॉज आई एम जस्ट नॉट हैप्पी विद द बैग। एंड वो प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ी यू नो ऐसी वैसी लग रही है, बट कोई ना, अभी तो इट्स द टाइम दैट वी शुड लीव ताकि हम जल्दी घर वापस आके इतना सारा जो बोलियो ना कर सके। ये सब धुलने गया है इसलिए ऐसे ही पड़ा है, इस पर भी बिछेगा। सो या दैट्स इट गाइस, बहुत सारे काम है यहाँ पे बना के ये चंपू बनी फिर रही हूँ। चलती हूँ मैं और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, सारे काम में मैं इतना लेट हो गई कि मुझे व्लॉग करते ही नहीं आया। रात में हम लोग को इतनी भूख लगी थी कि हम खाना भी नहीं बना पाए क्योंकि थक चुके थे, तो हम चले गए थे एक नया डोसा कॉर्नर ट्राई करने। और यहाँ पे भी मैंने मेरा हमेशा वाला ऑर्डर करा, दैट इज़ पेपर मसाला डोसा। और मैंने पहली बार स्ट्रीट पे किसी को पेपर मसाला डोसा बनाते देखा है। भाई साहब, ये डोसा बहुत बड़ा था और बहुत यमी था, लेकिन चीज़ ऐसी हो गई मेरे साथ में कि डेली व्लॉगिंग इज़ बिकमिंग सो डिफ़िकल्ट। रोज़ रोज़ बड़े काम होते हैं और जब एक वर्किंग वुमेन डेली व्लॉग करती है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। बट मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी दिन अपना व्लॉगिंग स्किप करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग करूँ, कुछ तो डालूँ, बिकॉज यू नो इट जस्ट मेक मी फील गुड। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं ये बन रहा था डोसा तो मैंने सोचा यार इसी को व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इनका स्टाइल ऑफ मेकिंग डोसा बड़ा पसंद आया। मतलब आप देख सकते हो ये पूरा डोसा पूरे तवे पे आ चुका है और इन्हें दो डोसे बनाए और उन दोनों को फिर मिक्स कर दिया। बाय द वे गाइस, डोसा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। जब हम नांदेड़ में रहते थे तब हम लोग रोज़ डोसा खाते थे, बट यहाँ आने के बाद में हमको वैसा डोसा ही नहीं मिला। सो वी वॉन्टेड टू हैव डोसा, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। एंड अमोल इस जगह को इतने दिन से देख रहा है, कहता है यहाँ जाएंगे डोसा खाएंगे, यहाँ जाएंगे डोसा खाएंगे। तो आप देख सकते हो इन्होंने फ्लेम भी पूरी ऐसी है ना बढ़ा दी, और जिस तरीके से इन्होंने उस डोसे को गोल करा है भैया, दैट्स कम्प्लीटली क्या कहते हैं उसको, अनबिलीवेबल। हाथ से रोल कर दिया भाई इन्होंने पूरे डोसे को। तो वही था, जिस तरीके से उन्होंने फ्लेम को बहुत बड़ा कर दिया, मैंने सोचा कि दिस इज़ समथिंग विच यू शुड नॉट मिस। और अगर आप लोग दहानू में रहते हैं तो कभी एक बार जाके इनका डोसा ज़रूर ट्राई करना, लिटरली बता रही हूँ मैं, बहुत यमी था। मतलब दहानू में मैंने जितने डोसे खाए उसमें से दो दी बेस्ट था। अगर आपको लग रहा होगा ये नांदेड़ से बेस्ट था या नहीं, तो जी नहीं, नांदेड़ से तो बेस्ट नहीं था, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे डोसे खाए हैं। और मैं वहाँ बोलती थी यार वर्धा से अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे, अब यहाँ बोलती हूँ नांदेड़ से अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल क्रिस्पी क्रंची करारा डोसा? एंड या डोसे के साथ वो लोग अनलिमिटेड चटनी एंड सांभर दे रहे थे।